हाय फ्रेंड्स, मैं पप्पू आपका दोस्त, आपका चैनल सनी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी के बारे में, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक लिया जाएगा। काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है, काफ़ी लड़का लोग भटक रहे हैं, इसीलिए मैं इसी पर आज वीडियो बना रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। रेलवे RRB NTPC का एग्ज़ाम हो गया था, उसका रिजल्ट भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर जाकर उसका रिजल्ट दे दिया गया है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, आप लोग यूट्यूब के कहना पर नहीं मानना है, आपको रेलवे ने नोटिस जारी करके बताया था कि जुलाई में हम इसका एग्ज़ाम लेंगे, रेलवे ग्रुप डी का जुलाई में हम एग्ज़ाम लेंगे। उसी के बाद हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी जुलाई में एग्ज़ाम लेने वाला है, क्योंकि नहीं लेगा तो काफ़ी डिले होगा, जुलाई नहीं तो अगस्त में इसको एग्ज़ाम लेना ही लेना होगा, नहीं तो काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप लोग जान रहे हैं, इसलिए 2023 तक इसको को प्रोसेस को ख़त्म करना होगा, इसीलिए इसको एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। मैं अगर बताऊं तो इसका एग्ज़ाम 25 जुलाई से लिया जा सकता है, 25 जुलाई के बाद कभी भी इसको एग्ज़ाम अवस्था कंडक्ट कराया जा सकता है। ऐसे रेलवे अपना बोर्ड बोला था नोटिस में, रेलवे ने बोला था इसको, इस बात को, इसका पूरा प्रोसेस 2023 के तो ख़त्म कर लिया जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। आप लोग देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने अपना काम है जो फास्ट कर रहा है, अपना काम जो फास्ट कर रहा है रेलवे बोर्ड, आप देख रहे हैं कि RRB NTPC का रिजल्ट दे दिया गया है, जैसे भी अपना जो भी दूसरा शिफ्ट में आंसर की भी दे दिया है RRB ने अपना, आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने अपना काम फास्ट कर रहा है, इसीलिए उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम 25 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा और अगस्त तक ख़त्म किया जाएगा, जुलाई में नहीं तो अगस्त में तो 100% है कि इसको एग्ज़ाम लेना ही लेना हो, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट और टीचर लोग ने प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए जानबे कर रहे हैं कि इस तरह से हुआ था हंगामा, दो को एग्ज़ाम करने PT और मेंस करने वाला था, तो कितना आराम में ट्रेन जरा दिया गया था, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट किए थे स्टूडेंट लोग और टीचर लोग, जैसे हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं, हम लोग भी किए थे प्रोटेस्ट, इसीलिए रेलवे और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहेगी, इसका एग्ज़ाम जुलाई में बोला है, जुलाई में कंडक्ट कराना ही होगा, जुलाई नहीं तो अगस्त में पक्का 100% इसको कंडक्ट कराना होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन से प्रधानमंत्री का चुनाव, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2023 तक इसका प्रोसेस ख़त्म करना होगा। इसीलिए मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग तैयारी में बने रहें, लगभग आप लोग के पास 40 से 45 दिन समय है, आप लोग जी जान से प्रिपरेशन करें, इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता होगा आप लोग की ग्रुप डी का वैकेंसी 3-4 साल लगा देता है फाइनल करने में, 2018 का ही वैकेंसी आप लोग जोड़ सकते हैं, 19-20 में हुआ था, 20-21-22 3 साल 3.5 साल लग गया, आप लोग देख ही रहे हैं, इस बार मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए, आप लोग जी जान से प्रिपरेशन कीजिए, करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, ज़्यादातर आप लोग जो भी करंट अफेयर 2022 का है उसको पढ़िए, जुलाई तक जो भी करंट अफेयर बनता है क्वेश्चंस 2022 में उसको पढ़िए, थोड़ा बहुत जीके जेस पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लगे हुए रहे जी जान से 40-45 दिन आपको जिंदगी का नया मोड़ दे सकता है, इसीलिए जी जान से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग के माँ बाप को सपना पूरा कर सकता है 40-45 दिन, जी जान से प्रिपरेशन कीजिए, इस बार हाथ से नहीं छूटना चाहिए ग्रुप डी। चलिए, हाय दोस्त, मैं अगला ये बात बोल दूँ दोस्तों कि अगर आप जी जान से प्रिपरेशन करते हैं और सफलता आपको जब मिलता है तो आपको प्राउड फील होता है, ये प्राउड जो फील होता है और किस चीज़ में नहीं होता है जो सफलता मिलने पर होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि SSC जो भी स्टेट का होगा उसका कट ऑफ देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का 80+ जाता है जनरल का, रेलवे ग्रुप डी का ऐसा एग्ज़ाम है 60-65 से 70 तक हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं कहता हूँ जी जान से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, मैं आप लोग को मिलता हूँ अगला वीडियो में, बाय।